झूठी तो नहीं हूं मैं। यारी प्यारी मोहब्बत में आपने स्टोरी लगाई, पर उस यारी प्यारी मोहब्बत का आपने बाद में फायदा उठाया। जय माता दी। कल मैंने अगर ये बोला आप लोगों को कि मेरी ऑडियंस को शांति बना लो, तो कई लोगों को ये लगा कि निशा लांबा झूठ बोल रही थी। इसलिए बेटा देखो सुनो, सिंपल सी बात है, मैं आपको ये लास्ट टाइम एक स्टोरी बता रही हूँ जो एक्चुअली में हुआ है, ठीक है। जो भी पब्लिक है, उधर की भी पब्लिक है, मेरी भी पब्लिक है, एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब आप चाहे पागल करो, मोटे करो, भैंसा करो, जिसका जो मन करे वो करो। आप लोग भी अपना भी बिहेवियर देखो, जब दूसरे को बिहेवियर सिखाने जा रहे हो। तो एक बंदी काम कर रही है, वो भी कर रही है, मैं भी काम कर रही हूँ, मेरे पास कॉल आते हैं, मेरे पास बोला जाता है कि हम आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, हम आपके पास मिलना चाहते हैं, हम आपके पास आना चाहते हैं, हम आपसे काम करवाना चाहते हैं। ये वाली बात बोल गई। मैंने कहा ठीक है, आप आइए मेरे पास, काम करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई देखिए, हम आपके पास कोलैब का काम कराना चाहते। मैंने नहीं बोला, मैंने नहीं बोला। कहेंगे तो जाएंगे हम लोग, और ये कॉलिंग वाली डिटेल्स में, क्योंकि मेरे पास नहीं मिलेगा, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। मेरा नीले सांड के सॉन्ग के लिए मैं जा रही थी, वहाँ से कॉल आ रही थी, मैंने नहीं बोला उनको, उन्होंने मुझे बोला। मैंने सच्ची में उनको प्रमोशन के लिए नहीं बोला। जो मुझे जानते हैं ये बात जानते हैं, मैंने उनको प्रमोशन के लिए नहीं बोला। मेरे से केवल एक छोटी सी मेरा गुस्सा आया, और उस गुस्से के पीछे ये स्टोरी है, क्योंकि मैंने जब बताई वो गुस्से में बताई, आज मैं बता रही हूँ शांत में बता रही हूँ, और मैंने अपनी ऑडियंस को शांति से बोल दिया। तो मेरे पास कॉल आया कि हम लोग आपके साथ कोलैब में काम करना चाहते हैं। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर आप कोलैब में काम करना चाहते हैं आप आ जाइएगा मेरे पास। मुझे नहीं पता था वो जिस दिन आने वाले, वो आ गए दिल्ली में, मैं दिल्ली में नहीं थी, मैं अपने सॉन्ग के लिए बाहर खड़ी हुई थी। तो इन्होंने बोला हम तो आ गए, तो मैंने बाकायदा बोला कि मुझे नहीं पता था आप लोग आ गए हैं, आपको या तो वेट करना पड़ेगा अगर कॉलर कराना है तो, नहीं तो आप सर्विस वैसे लेना चाहें तो आप जाके ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन्होंने कहा नहीं, हम आपका वेट करेंगे। मैंने कहा ठीक है, आप वेट कर लीजिए, मैं एक से दो दिन के अंदर अंदर आपके पास आती हूँ। आप एक से दो दिन के अंदर अंदर मैं आपके पास आती हूँ, और आप उसके बाद जो कहेंगे हम वैसे देखते हैं। मुझे आपका काम समझ में आता है, देख मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप एकदम से कोई आए हैं, मैं आपको जानना चाहूँगी, आप कैसे हो। बात यह है कि हम किसी के साथ कोलैब वोलैब वाली बातें इतना नहीं कुछ करते, हम सर्विस देते हैं और लोग हमें काम करके देते हैं। कोई ऐसा नहीं करता कि हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। कई लोग हैं जो काम कभी नहीं करवाते और वो वीडियो भी बना लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं अभी इन चीज़ों में उनका नाम भी नहीं लूँगी, वो काम भी करवा लेते हैं, वीडियो भी बना लेते हैं। भाई वीडियो बनाना मेन मोटिव नहीं था, वीडियोस तो मैं खुद की 50 दिन में बनाती हूँ। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं जो मेरे पास काम भी नहीं करवाते और वीडियो भी बनवा के चले जाते, तो क्या मैं उनको कोलैब की बात बोलती हूँ? बट अगर सामने से मुझे कोलैब की बात बोली जाएगी तो मैं क्या करूँगी? मैं कहूँगी ठीक करवा लीजिए, अगर आप ऐड करना चाहती हैं तो मैं वहाँ की पब्लिक को काम दिखा दूंगी। यही सच है, सच नहीं झुठला सकते आप लोग। मैं बहुत प्यार से बहुत शांति से बोल रही हूँ, मैं इस चीज़ के लिए अपोलॉजी भी करूँगी कि मैंने उस लड़की को गुस्सा किया, और उसके पीछे के बारे में भी बताऊँगी आपको। तो बात यहाँ पे ये थी ही नहीं कि आप मेरे साथ वीडियो बनाओ। मैं भाई पहली बार वीडियो बना रही हूँ क्या? मेरी पहली बार वीडियो है। आपकी ऑडियंस में मैं अपना काम दिखाऊंगी तो मेरी ऑडियंस में भी तो आप आओगी। जीरो फॉलोवर वाले इंसान तो नहीं है ना हम लोग, नहीं है ना। बट आपने ऐसा बोला कि नहीं मैं ऐसे करना चाहती हूँ, तो मैंने इस बात की एक्सेप्टेंस की। मैंने कहा ठीक है, आप ऐसे काम कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई हम आए, ये मेरे साथ बैठी, इन्होंने मुझे बोला मैं ये करवाऊंगी, मैं वो करवाऊंगी। मैम जी के बाल बहुत सेंसिटिव थे, मैम बोले मैं कलर करवाऊंगी, मेरे बाल अच्छे नहीं हैं,
जो भी ट्रीटमेंट की बात हुई है। अब आप बात करें 5 को लैब, 10 को लैब, 20 को लैब, मैम 5 को लैब नहीं थे, आई थिंक 10 को लैब नहीं थे। भाई तुम काम करवाओगे 50,000 का है, 50,000 का? आप तो ऐसी बात कर रहे हो कोलैब की बात जैसे मेरा अकाउंट 0 है। आप बात कर रहे हो 50,000 की कि भाई मैं 50-70-80 हज़ार का वो कराएंगे। चलो आप अपनी वीडियो बनाने के, आप शायद एक वीडियो बनाने के 25,000, मतलब आप ये कहना चाहते हो आप किसी की वीडियो बनाते हो तो 25,000 की एक वीडियो है। आपने बोला है ये अपनी लाइफ में एक में, मैंने नहीं बोला है बहन। मैं तो बहन, मेरे पास कोई आता है कोई कहता है कि मैं नीडी हूँ, मैं यहाँ पर कोई सिंपैथी गेम नहीं कर रही हूँ बहन। मेरे पास कोई आता है कहता है कि मैं नीडी हूँ, मुझे वीडियो बनानी है, स्टोरी बना दो, मेरी वीडियोज़ बना दो बहन, मैं फ्री में बना देती हूँ। मैं तो नहीं करती हूँ, हो सकता है कि ये आपकी रोज़ी रोटी हो और ये मेरी रोज़ी रोटी नहीं हो, ये मेरे लिए खुशी की जगह हो, मैं इसे खुशी पाने के लिए आती हूँ, ये भी बात हो सकती है। तो जैसे बहन आपकी रोज़ी रोटी है, ऐसे दूसरे की भी रोज़ी रोटी है। मेरी रोज़ी रोटी मेरा काम है। आप जो काम करवा रहे हो, कई लोग कह रहे हैं 7 खोला 15 खोला, मैम 0 अकाउंट में कॉलम नहीं हो रहे थे, किसी के 100 फॉलोवर 1,000 फॉलोवर नहीं थे कि जिसको आप सपोर्ट करके मोटिवेट करेंगे। ऑडियंस को बोल रही है बात, मैं अंजलि को नहीं बोल रही, उसको पता है ये बात का। वो समझदार लड़की है, बेवकूफ लड़की नहीं है, वो समझदार लड़की है। उसके आगे तो मैं ही बेवकूफ फील हो रही हूँ। तो 0 अकाउंट की बात नहीं करी, एक समझदार वेल सेटल अकाउंट के लिए आप आए हो। 1,000 अकाउंट 1,000 फॉलोवर मिनिमम उस अकाउंट में थे, 1,000 फॉलोवर का अकाउंट नहीं था, वेल सेटल अकाउंट था, ठीक है, लोगों के अंदर का अकाउंट था। तो कोलैब के लिए तो देखो मैं मर ही नहीं जा रही थी, सिंपल सी बात है, ये तो बात सच है कि कोलैब के लिए मैं मरी नहीं जा रही थी। बात वर्ड्स ऑफ माउथ की होती है, आप अपनी ज़बान की बात होती है, हम ज़बान के इंसान, हम ज़बान के लिए कुछ भी कर लेते हैं, बात ज़बान की होती है। ज़बान की तो हूँ, अभी भी सामने आ रही हूँ, भागी का हूँ, सामने हूँ ना मैं आपके, क्योंकि ये चीज़ ना आप लोगों को प्रॉपर मैं बताना चाहती हूँ, कई लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आई है। फिर बोले मेरे स्किन का काम कीजिए, मेरा फेशियल वेशियल कीजिए। देखिए कमेंट में भी पढ़े होंगे, हर जगह पढ़ा होगा, इन्होंने जो वीडियोस बनाई थी, हाँ उन वीडियोस के कमेंट्स में भी बोल रहा है इन्होंने। मेरे पास जब ये सेकेंड टाइम आए तो उससे पहले भी बोला था कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट अच्छा लगा था, ये है वो है। अब जबान पलट जाए तो मैं देखो भाई मैं क्यों बोलूँ, अब जबान पलट जाए तो है ना, कमेंट्स में भी था। और अगर किसी का ट्रीटमेंट आपको अच्छा नहीं लगता आप दोबारा नहीं आते उसके पास, यही बेसिक रूल होता है ना। ये तो नहीं रूल होता ना कि आपको परेशान किया जाए या उस इंसान को वो किया जाए, है ना। तो बात इन्होंने कहा मैं फेशियल कराऊंगी, मैं ये कलर कराऊंगी, मैं प्रोटीन कराऊंगी। हमने भी गाइड किया मैम ये आपके बालों के लिए अच्छा है, हमने भी गाइड किया ऐसा, नो डाउटफुल है कि ऐसा तो नहीं है कि वीडियो वीडियो के लिए मरे जा रहे थे और एक सिंपल से कलर करके हमने 15-20 वीडियो ले ली। 5-7 वीडियो लिए हैं तो 5-7 वीडियो का काम करवाया है, ध्यान से देखिएगा काम में, वीडियो में बिफोर आफ्टर दिखाया गया है। मेरे को कभी किसी ने ये बात नहीं बोली कि हम आपसे ये काम करवाएंगे आप ये कॉलैब कीजिएगा, नहीं, अपनी खुशी से। कई इन्फ्लुएंसर तो ऐसे हैं जो पैसा भी देते हैं और वीडियोस भी बनाते हैं हमारे साथ, ऐसे भी लोग हैं, पर जब सामने वाला ही ऐसा बोल रहा है तो आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो, मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो, है ना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर इसके बाद इन्होंने काम करवा के ये चले गए। उस टाइम पे भी इन्होंने कुछ वीडियोस वगैरह की कोई बात की थी कि मैं यहाँ पे ये करूँगी, पर वहाँ जाके उन्होंने नहीं किया था, मैंने उस पर इशू उठाया था, नहीं ये कह रहे मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। मैम मैंने आपको ब्लैकमेल नहीं किया था, आप वीडियोस मेरे साथ कर दीजिएगा। आपने मुझे बोला था कि आप मेरी यूट्यूब की वीडियो बना ली है, मैं मेरी यूट्यूब की वीडियो नहीं बनानी थी, ये है वो है आपने बोला था। तो मैंने कहा था मैम अगली बार आप बना लीजिएगा,
मैं आपके पास ही, क्योंकि यूट्यूब की वीडियो आपको नहीं बना के चढ़ानी है, आप केवल और केवल इंस्टाग्राम की वीडियो बना के चढ़ाएगा ये आपने बोला था। तो मैंने कहा मैम पहले आप चढ़ा लीजिएगा अपनी, फिर मैं अपनी चढ़ा लूँगी। और आपने इस बात को एग्री कर लिया था जो आप काम करवा के गए थे उसकी, फिर भी आप नहीं चढ़ाई। पहले अपने अपनी चढ़ाई, अपना काम तो मेरा हक है ना कहीं पर भी चढ़ाने का, किसी के साथ भी जो बनवा रहा है। तो यहाँ पर मैं एक पब्लिक को बात पूछना चाहूँगी। लोग कोलैब 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 की बात कर रहे हैं, तो ना ही मैंने पहले बोला कि मेरे साथ करो, ठीक है। मैं तो काम करती हूँ, मैं काम का पैसा ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि आगे भी हम पीछे भी बिल देते हैं। मेरे नीचे स्टाफ है, उन लोगों को भी मैं पैसे देती हूँ। वो अकेली होगी, उसका एक मैनेजर और एक असिस्टेंट होगी, मेरे पास 40 लोग हैं, मैं 40 लोगों का खर्चा निकालती। और आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने अगर अपना काम कराया और मैंने किसी के साथ किसी का पैसा नहीं मारा, फिर भी उसकी वीडियो बनाई है। बट आपने ऐसा बोला कि देखो मैं नहीं, पर मैं ऐसे करूँगी। ये बड़प्पन भी तो है मेरा, जो बंदी आप लोग बोल रहे हो बाल भी है, ये भी एक्सटेंशन भी है, बाल भी लगवाया, कलर भी करवाया, फेशियल भी कराया, मेरा पैसा ही तो था, मेरी काम ही तो था, मेरी मेहनत भी तो थी, मेरा पीछे का खर्चा भी तो था, मेरा स्टाफ भी तो था। जब मैंने उस बात पे इसको नहीं बोला, पूरा काम करा के ये बोल रहे ना मुझे धमकी दी, धमकी क्या दी मैंने, कहाँ धमकी दी। इसमें भी मैंने गुस्सा दिया, आपने मुझे बोला तो मैंने तब दिया प्रूफ के साथ, वो डला हुआ है। मैंने केवल और केवल उस टाइम पे ये कहा था, काम करवा के गई, काम करवाने के बाद आप, मुझे नहीं पता था आप ऐसे करेंगे, नहीं मैं ये नहीं कर रही, मैं ये वीडियो नहीं ले रही, वो ले। मैंने कहा मैम देखो आपने काम करवाया और आपने अब ऐसी बात बोल रहे हो तो ये गलत बात है। तो बोली कि मतलब ये खुद तो बोलती नहीं है, सीधी ये बोली तो मुझे समझ में आए। सामने से दो चार लोग आते हैं, इनके मैनेजर्स आता है और मना कर देते हैं। मैं कह ये क्या मतलब है, बोले हम नहीं जानते मना है। सीधा बोलो ना मैम, आपके साथ मेरे पास 40 लोग मेरे नीचे काम करते हैं, आपके साथ पर मैं सीधी बात कर रही हूँ, आप सीधी कभी बात नहीं करते, आप सीधी ऑनलाइन बात करते हो तो ऑनलाइन ही बात कर रहे हैं, सीधी कभी भी बात नहीं होती, वार्तालाप होती है। फिर आपका फ़ोन मेरे पास दूसरी बार भी आया कि आपको किसी शूट के लिए जाना है और नहीं ये वर्कआउट करना है, ऐसा वैसा जो भी था काम करवाना है। तो मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, आप आ जाइए, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, जो भी आपको प्रोसेस करवाना है। अभी तो मैं उस प्रोसेस में आपको क्या बोलूँ। आपने बोला कि मैं ये करूँगी, मैं एक वीडियो बनाऊँ। मैंने कहा मैम देखिए, मैं आपकी ये 25,000 की वीडियो का, मेरा 25,000 का काम नहीं है मैम, ठीक है। मैं आप फेशियल कराएंगी, मेरा 4-5,000 का आप काम करवा लीजिए, इसके बदले करवा लीजिए, वीडियो नहीं चाहिए। मैंने बोल दिया था मैं काम नहीं कर रही हूँ सेकेंड टाइम पे। फिर इन्होंने बात किया कि किसी से फ़ोन पे बात करती है। फिर इन्होंने बोला ठीक है आप मेरी बना लीजिए वीडियो, पर मेरे को काम करवाना है। मैं काम करती हूँ यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है मैम आप बना लीजिए, आप काम करवा लीजिए मुझे। मैं सिंपल सी बात है, मैं ज़्यादा बहसबाजी में जाती ही नहीं। सामने वाला चाहे कैसा भी हो, कितना भी कुछ भी बोले, मेरा काम है काम करने का, मैं काम ही करती हूँ। मेरा ज़्यादा फोकस बकवासों में नहीं होता है, बहुत लिमिटेड ही बकवासों में होता है। तो जब आप मेरे को खुद कह रही हैं कि मैं ये नहीं करूँगी तो मैं मना कर देती हूँ ना कि ठीक है मैम आप मत नहीं करेंगी, ये नहीं बनानी है, तो भी मैम काम नहीं कर रही हूँ, आप रहने दीजिए, मुझे भी काम नहीं करना मैम आपके आपके साथ, मैं नहीं बना रही हूँ। आप जो मेन पर्पज़ है रिमूवल का आपका जो भी है, अब आप देखो गुस्से में कोई भी किसी को अच्छा नहीं बोलेगा, ये सच है। पर अगर मैं अच्छी नहीं हूँ तो दोबारा फिर मेरे पास कलर प्रोटीन और फेशियल क्यों करवाया, मैंने तो मना कर दिया था, बट आपने दोबारा करवाया। मैं खराब थी तो आपने दोबारा नहीं करवाना चाहिए था ना।
बट मेरा तो सवाल यही है ना कि खराब थे तो नहीं करवाना चाहिए था ना। मैं मेरे को किसी का खाना अच्छा नहीं लगा, मैं कहीं जाऊं तो खराब हो तो मैं दोबारा नहीं जाऊंगी ना, यही सच है। ठीक है, तो आपने मेरे से करवाया और आप उसको करवाने के बाद वीडियोस वगैरह के लिए बोला, आपने आराम से काम करवा के गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, चुपचाप बना के आपने चले गए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वहाँ से जाने के बाद, क्योंकि ये मैम कभी भी इतने टाइम और कभी सीधी बात नहीं करती, तो वहाँ जाने के बाद इन्होंने मेरे को फ़ोन करवाया, मैसेज करवाया, फ़ोन भी करवाया और मैसेज भी कराया। मेरे को अपना प्रोडक्ट प्रमोट कराने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरे को बहुत लोग कर देते हैं और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को ये पता हो तो शायद मैं खुद भी वीडियोस बनाती हूँ और खुद बता देती हूँ, जिसको प्रोडक्ट लेना हो ले ले, जिसको नहीं लेना हो नहीं ले, जिसको प्रोडक्ट लेना हो ले, जिसको प्रोडक्ट लेना हो नहीं ले। और प्रोडक्ट कोई ऐसा मेरी फैक्ट्री नहीं है, मैंने बनाया है कहीं से, मैंने प्रोडक्ट लिया है, मैंने उसको इस्तेमाल किया, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आया है, उसको बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, मैं भी कहीं पर पैसे लगा रही हूँ, अकेली मैं भी हूँ, अकेले मेरे मेहनत पे जीरो से मैं भी उठ के यहाँ पे आई हूँ, नॉन स्टॉप मेहनत मैं भी कर रही हूँ, हम भी किसान परिवार के हैं, मेरे दादाजी भी किसान हैं, हम भी गरीब परिवार के ही हैं, पीछे से कोई मेरी पुश्तैनी जायदाद नहीं है, मैं भी अकेली लड़की हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं अपनी बात प्रूफ करने के लिए किसी को भी बगल में बिठा के कसम नहीं खा रही हूँ, मेरे पास भी है, मेरे पास लोग वो भी कह रही कि मैं आके बोल, मैं नहीं माँ, जिस दिन निशा को आपकी ज़रूरत प्यार के पाने की बजाय इन सब चीज़ों में पड़ गई, उस दिन निशा की वैल्यू ज़ीरो है, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। किसी ने एक निकाह था हर बात पे रोती है, मैं जिससे जब मैं रोने की वीडियो बनाती हूँ, रोने की बात करती हूँ, मैं उस टाइम पे बिल्कुल प्यार में वो सच्चे दिल से आप लोगों के साथ होती हूँ, मैं आप लोगों के साथ अटैच्ड हूँ, आप लोगों का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मुझे अपनी बात प्रूफ करने के लिए अपनी किसी भी चीज का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, मेरी भी बच्चियां हैं, मैं भी अकेली खुद जीरो से उठ के आई हूं, कोई और सामने वाला मेहनत कर रहा है पर मैं भी मेहनत कर रही हूं, कोई ऊपर सामने वाला मेहनत कर रहा है अपने टैलेंट की तो मेरा भी टैलेंट है, मेरे टैलेंट में मेरे पीछे मेरा खर्चा भी आता है, मेरे टैलेंट में मेरे पीछे मेरा खर्चा भी आता है, मैं पीछे खर्चा भी करती हूं, कोई मुझे कहीं से लोन नहीं मिल रहा, कोई मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रहा, ले निशा तू कर, कोई मेरा मेरे को पैसे की भरमार नहीं है मेरे पास, भाई दो बेटियों का खर्चा उठाती हूं मैं और कभी भी इस चीज में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोझ नहीं है मेरे ऊपर, और अपनी जिंदगी भी जीती हूं मैं, और मैं आप तो दो इंसान, मैंने जो असिस्टेंट का उठाते हो अपना करते हो, भाई आप मेहनत करते हो, जो करते हो अपने लिए करते हो, मैं जो करती हूँ अपने लिए करती हूँ, पर जो सिंपैथी की बात है तो मैं यहाँ सिंपैथी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, मैं भी जीरो लेवल से उठ के यहाँ तक आई हूँ, मैंने भी दिन रात मेहनत की है, मुझे भी किसी ने सपोर्ट नहीं किया है, और मैं आगे खर्चा देती हूं, मुझे भी आगे जो आप काम करवा रही हो, कोई लॉरल की या कोई भी फेशियल करा रही हो, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं है,
बिल्कुल रो के नहीं बना रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ जिससे मेरा गला भारी हुआ है। ऐसा आप लोगों को लगता है कि मेरी फैक्ट्रियां हैं या मेरा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी मेहनत है क्या? हमारी मेहनत तो चलो मारो पानी पे, क्योंकि आपकी मेहनत है तो ये है। कई लोगों को ये हम कमा रहे, भाई सामने भी तो कमाया जा रहा है, वो भी तो बिल्कुल वो नहीं है। मैंने गरीब का गवार का वर्ड का नाम ही नहीं लिया। मैंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हर अमीर आदमी अच्छा हो और हर गरीब आदमी वो बात हो, गरीब और अमीर की बात ही नहीं उठी थी। गरीब तो मैं उसको मानती नहीं हूं, मैं तो बोल ही नहीं रही हूं, गरीब और अमीर की तो बात ही नहीं उठी थी भाई इस वीडियो में। तो आपने मुझसे फोन करके वो प्रोडक्ट मंगाया जो मैं आगे से खरीद के लाती हूँ। आपने कहा कि निशा मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैंने कहा ठीक है मैम आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए। आप तो सीधी बात नहीं करते हैं, आप जिसके थ्रू बात करते हैं। तो आपने कहा कि मैं इस प्रोडक्ट की जो भी, देखो भाई मेरा स्टाफ कुछ करेगा तो मेरे को ही थप्पड़ लगेगा, मैं करूँ तो मेरी बात है ना। तो आपने ये कहा कि मैं इस प्रोडक्ट की वीडियो बनाऊंगी, मैं ये प्रोडक्ट यूज़ करूँगी। मैंने कहा ठीक है मैम आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ये सवाल का जवाब जानना चाहूँगी, जो लेडी इतना कर चुकी है उसको क्या 5000 के नहीं थे, 4750 के होते, 5000 की जो बात है वो मुझसे मांगे गए थे, ठीक है। उस लेडी को जो इतना काम कर चुकी है उसको वो छोटी से प्रोडक्ट की वैल्यू मैटर करेगी? जिन्होंने बाल लगाए वो लगाए वो लगाए कुछ मैटर करेगा? नहीं करेगा, मैं नहीं मानती। जब मैं इतना कर चुकी हूँ तो इतना मुझे मैटर करेगा? कभी नहीं करेगा। मेरे नीले शर्ट को जितने सपोर्ट किया था तो हमने उन विनर्स को वो प्रोडक्ट फ्री दिए हैं, हम फ्री दिए उन प्रोडक्ट को हमने। तो मैं उधर मैटर नहीं करा। क्या मैंने उसकी कोई वीडियो बनाई थी? क्या मैंने किसी भी बंदे को ये बोला जिनके पास प्रोडक्ट गए कि जाओ जाओ वीडियो बनाओ निशा लम्बा ने प्रोडक्ट दिया? मैंने कहा नहीं, आपने कर दिया जो आपने करना था, विनर है आपको मिल गया। आप रखे आराम से, थैंक यू वेरी वेरी मच, आपने सपोर्ट किया। जो मुझे सपोर्ट करते हैं मैं उनको सपोर्ट करती हूँ, मैं केवल सपोर्ट मांगती नहीं हूँ मैं करती भी हूँ। सपोर्ट करने का मैं कोई वो चार्ज वार्ज नहीं करती हूँ। औरत औरत औरत, मैं औरतों को ही तो सपोर्ट करती हूँ। सामने से औरत को ही तो सपोर्ट किया जाएगा। तो मुझसे जब आपने ये कह के प्रोडक्ट मांगा तो मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया। आप ये बोलते कि भाई मैं, देखो यहाँ पे आपको मैं सिंपल बात करती, जब भी आप कोई भी डील करती हैं मैम तो आपको खुद बात करनी चाहिए, बिचौलिए नहीं आने चाहिए। आप बोलना चाहिए कि देखिए मैं वीडियो बनाने का ये पैसा लूंगी और अगर आपको प्रोडक्ट प्रमोट करवाना है तो आप मुझे प्रोडक्ट भेज दीजिए, तब प्रोडक्ट भी जाता पैसा भी जाता है ना। पर मेरा नहीं जाता, क्योंकि मैं कभी भी किसी को पैसे में नहीं देती हूँ। किसी ने भी मुझसे तो आज तक पैसे मांगे भी नहीं, किसी को भी पैसे में नहीं देती। मैंने कहा कि मैम आप मेरा प्रोडक्ट वापस, अच्छा इन्होंने कहा कि मैं आप, अगर आप मुझे बोलते ना कि आप मुझे प्रोडक्ट देंगे तो मैं प्रमोशन करूँगी और पैसा लूँगी, तो वो मेरी मर्जी होती ना कि मैं आपको प्रोडक्ट दे रही हूँ या नहीं दे रही हूँ बेटा, वो मेरी मर्जी होती। बट आपने मुझे कहा मुझे प्रोडक्ट दे दीजिए, मैं वीडियो बना दूंगी, मैं यूज़ करूँगी, मुझे यूज़ करना है क्योंकि मैंने करवाया है, मैं स्किन ख़राब हो जाती है मेरी धूप में, आप मुझे प्रोडक्ट दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है आपकी जैसे जैसे धूप में स्किन ख़राब होती है मैं आपको प्रोडक्ट दे देती हूँ, आपकी नीड के अकॉर्डिंग, मैंने आपकी स्किन देखी है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट दे देती हूँ, आप उसके लिए बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी तो आगे से वो प्रोडक्ट उठा रही हूँ, मेरी मेहनत तो मारो गोले, पर जहाँ से मेरा प्रोडक्ट उठ के आ रहा है वहाँ से मैं भी तो उठा रही ना, इसी चीज़ का तो है ना कि आप ले रहे हैं हम बना रहे हैं। तो प्रोडक्ट जब आपके पास गया, डेट वेट के स्क्रीनशॉट्स आप लोगों के साथ शेयर हो चुके हैं, मैं यहाँ पे शेयर नहीं करवानी, क्योंकि कितना भी प्रूफ दे दो प्रूफ मैटर नहीं करता, बात क्लियरिटी मैटर करती है। तो शायद मैं क्लियर करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, यहाँ कोई फाइट नहीं, और मैंने शायद कोई अब्यूसिव लैंग्वेज अब तक इस्तेमाल नहीं किया, और मैंने आंसू भी इस्तेमाल नहीं किया अपने,
मैंने किसी का इस्तेमाल नहीं किया, मैं सीधी बात बोल रही हूँ, सीधी बात उस बच्ची को बोल रही हूँ, उस बच्ची को नहीं, मैं अपने लोगों को भी ये बात बता रही हूँ। तो वो जो आपने मुझसे मंगवाया, आप उसका भी मुझे नहीं पता आप उसका इस्तेमाल करें या नहीं करें, ऐसे तो पूरी दुनिया में बोलेंगे मैम आप प्रोडक्ट भेजिए हम उसको देखेंगे अच्छा लगेगा, कहने की बात है अच्छा लगेगा तो रखेंगे, नहीं लगेगा तो आपको वापस भेज देंगे। कंपनी वाले जो कहाँ पे काम करते हैं क्या वो ऐसा कर सकते हैं? खाने वाले लोग घर पे खाना भेजेंगे, घर वाले चखेंगे नहीं अच्छा लगेगा भाई हम नहीं लेंगे आप वापस लीजिए, वो खाना वापस उस थाल में जा सकता है, उस डब्बों में जा सकता है, नहीं जा सकता। जो चीज खुल जाए वो वापस पैक नहीं हो सकती, है ना? इससे तो ये होता है कि आप दोबारा वो चीज ना मंगवाए। मतलब आप इस चीज के बारे में ऐसे कह रहे हैं कि मैंने सामान मंगवाया, मुझे अच्छा लगा, मजा आया तो ठीक है, मैंने इस्तेमाल किया नहीं अच्छा लगा वापस ले जाओ। कोरियर का पैसा, सामान का पैसा, टाइम का पैसा, पैकिंग का पैसा, स्टाफ का पैसा, मैं कहाँ से वापस कर दूंगी? और जो प्रोडक्ट बाहर निकल गया बेटा, आपको समझा रही हूँ, वो वापस उसके अंदर नहीं जा सकता। हाँ जो सील पैक है उसकी बात अलग है, जो सील जिसकी सील खोल दी है, जो खुल खोल दिया गया है, जो ओपन कर दिया गया है, हमारी भी आत्मा होती है, हमारी भी आत्मा होती है, आप आपकी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने आपको, किसी आपकी लैंग्वेज में बता रही हूँ, किसी ने आपको बुलाया घर में फंक्शंस का इवेंट करने के लिए, एल्बम करने के लिए, आप अपना सब कुछ काम धंधा छोड़ के उसके शूट पे गई, आपने पूरा अपना 100% अपना घर बार सब छोड़ के आप उसके शूट पे गई, आपने डांस वांस किया, और ये सब करने के बाद वो बंदा कहता है यार मजा नहीं आया यार, नहीं आप जाइए हम आपके साथ नहीं करेंगे, मजा नहीं आया हम आपके साथ नहीं करेंगे, आप कहेंगे कोई नहीं मेरा पैसा दे दो, बोला जब हम आपके साथ कर ही नहीं रहे तो काहे का पैसा। इस चीज को एक्सप्लॉइटेशन कहते हैं, ठीक है? तो ये वाली चीज टेक्निकली अच्छी नहीं होती और ऐसा कोई नहीं करता है, ठीक है? जो लोग कहते हैं एक प्रोडक्ट, तो मैं बताऊंगी, शायद आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, दो एक ब्लू कलर की बोतल सील पैक है, एक का पैकेट भी फटा हुआ खुल भी रही है, ठीक है, पैकेट भी सब कुछ हिला पड़ा है वो खुल भी रही है, और दूसरी वो खुद ही बोल रही है ये दबाया, ठीक है, ये दबाया। तो प्रोडक्ट के लिए ये जो बात उठी थी कि इन्होंने मुझसे पैसे मांगे, मैंने, और वो इनका वर्ड था, या तो आप 5,000 दे दो वरना अपना प्रोडक्ट वापस ले लो, ये वर्ड इनकी तरफ से आया था। तो मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस दे दो, मैंने ये बात बोल के मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस कोरियर करवा दो, कोई बात नहीं, मैंने ये बात बोली थी, मेरे पास ऑडियो पड़ी है, ठीक है, इन्होंने वहाँ से वो अपना सब डिलीट कर दिया, पर मेरे पास वहाँ मेरी ऑडियो पड़ी है, अगर मैंने वो ऑडियो चला दी, ये दिखा दिया कि मैं जिसमें कह रही हूँ कि आप प्लीज़ मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस कर दो, और अगर आपने फिर मुझे ये वाली बात ऐसे नहीं थी, ये वाली बात मैंने कहा था मेरा प्रोडक्ट आप मुझे वापस कर दो, मैं पेड पैसे वैसे मेरे पास इतने नहीं हैं कि मैं आपको पैसे दूँ और अपना प्रमोशन करवाऊँ। तो इन्होंने इसकी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, ऐसे ही इन्होंने उस टाइम पे भी कहा था कि मैं फेशियल नहीं करवाऊंगी, मैंने कहा था मत करवाइए, फिर इन्होंने कहा चलो मैं करवाती हूँ, फिर इन्होंने करवाया भी था, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, मैंने फिर हफ्ता भर वेट किया, इनके मैनेजर भी जानते हैं, इनके असिस्टेंट भी जानते हैं, ठीक है, मैंने एक हफ्ता वेट किया, मैंने हफ्ता भर वेट करने के बाद मैंने फिर फ़ोन किया, इनके मैनेजर को भी बोला, मैं बार बार सीधी क्यों नहीं बात करता, सीधी बात क्यों नहीं करता, टीढ़ी बात क्यों करते, घुमा के बात क्यों करते हो, सीधी बात करनी चाहिए ना, पर आप सीधी नहीं करते। फिर फ़ोन में पे मुझे पता चला मैनेजर के थ्रू कि प्रोडक्ट खुल गया है,
इस्तेमाल हो गया है, तो मुझे बहुत बुरा लगा। तो मैंने कहा कि प्रोडक्ट अगर आपको खोल दिया है तो फिर आपने जो बात बोली थी आप वो कर दीजिए, वरना मेरे प्रोडक्ट के मुझे पैसे दे दीजिए। क्या मैंने गलत बोला भाई? मैं जानना चाहूंगी मैंने क्या गलत बोला। 15-20 दिन से प्रोडक्ट है, कहा मैं आपको डेली परेशान कर रही हूँ, कहा मैं आपको डेली परेशान करती हूँ कर रही हूँ, मैं भी तो परेशान हो रही हूँ। मैंने इसमें क्या गलत बात बोली कि अगर आपने प्रोडक्ट खोल दिया है तो मेरा प्रोडक्ट के मुझे पैसे दे दीजिए। क्यों खोला? यूज करने का तो मैंने आपको अपने पार्लर में भी बताया था, सब बताया था। और आप लोगों में से यहाँ से कई 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 लोगों से मैं बताऊंगी, जब भी आप कोई मेरी छोड़ो कोई डॉक्टर की दवाई लेते हो, क्या आपको खांसी है एक गोली खाते ही आप ठीक हो जाते हो? क्या कोर्स होता है पूरा हफ्ता भर का कोर्स होता है? ऐसे हर चीज का कोर्स होता है, आप कंटिन्यू उसके साथ वर्कआउट करो। बात प्रोडक्ट के पैसे की तो कहीं पे भी नहीं थी, बात ये थी कि मुझसे पैसे मांगे गए इसके प्रमोशन के, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस दे दीजिए। जब 7 जुलाई को ये प्रोडक्ट हुआ तो मैं 4 अगस्त को ये बात बोल रही, तो मैंने मांगे ना, हर रोज मांगे ना, हर रोज का डाटा है ना, कॉल वगैरह का, और रिकॉर्डिंग की बात है तो मैं कहाँ रिकॉर्ड करती हूँ। जिस दिन आप मुझे टॉर्चर कर रही थी, जिस दिन ये लास्ट ही तो रिकॉर्ड मैंने डाली आपकी, क्योंकि उस दिन मुझे पता था इसके बाद मैं फोन नहीं करने वाली हूँ, इसके बाद मैं कभी फोन नहीं करूंगी। तो लास्ट ही तो रिकॉर्ड था ये बात, तो ये छोड़ दीजिए। आपका आपका मैनेजर कह रहा है कि वो कह रही जो जैसा करना वो कर लीजिए, हो गया। आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करिए, आपने कहा कि एक प्रोडक्ट खोला नहीं है। मैं तो कुछ और बात बोलना ही नहीं चाह रही, क्योंकि मेरा दिमाग तो इधर 4 बात और पकड़ रहा है, पर मैं वो नहीं बोल रही हूँ। ब्लू कलर की बोतल का जो सील पैक है, मैं कह रही हूँ उसको वापस भेज सकते हैं आप, बट वो जो डिब्बी खुली हुई है, वो जो ट्यूब खुली हुई है, मैं किसको बेचूंगी? आपके आपके फॉलोवर में कोई फॉलोवर उसको खरीदेगा तो आपको, उस फॉलोवर को मैं थैंक यू बोलूंगी। मैं किसी का इतने टाइम हो गए, कोई किसी का इस्तेमाल किया हुआ प्रोडक्ट यूज कर सकता है पर पैसे दे के खरीद नहीं सकता, तो यहाँ पे तो बात ही नहीं आई ना। किसने पैसे दे के फ्रूटी पी, उसको मजा नहीं आया, उसने दूसरे को दी, मजा आया नहीं आया, क्योंकि वो ऐड करनी है ना भाई, दूसरे को दी तो दूसरे ने भी फ्रूटी पी, तो दूसरा थोड़ी पैसा भरेगा भाई, तूने खरीदी तू ही भर वाली बात है। मैं यहाँ पे कमेंट में ये चाहूंगी कोई ये कहे मैं अपोलोजी वीडियो बनाऊंगी कि भाई मुझसे गुनाह हो गया, कोई कमेंट में ये कहे अंजलि का खुला हुआ प्रोडक्ट मैं ले लूंगा, एड्रेस दे मैं भी भेजती हूँ। जेन्युइनिटी की बात होती है, बात होती है जेन्युइनिटी की, वो मेहनत से आई है, मैंने बोला है अच्छी इंसान है, मेहनत से आई है, ठीक है बहुत अच्छी बात, पर मैं भी मेहनत से आई हूं, मैंने भी मेहनत की है। अगर मैं मेरे साथ ऐसा मेरे साथ या किसी और के साथ, चलो मैं तो वेल सेटल्ड हूं, मेरे को इतना नहीं पड़ा, किसी के घर में ही कोई औरत ही 2 रुपए इनको बेच के कमा रही होगी और उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, वो अकेली औरत होगी, आप उस इंसान के साथ ऐसा करेंगे? उस इंसान के साथ ऐसा होने लग गया तो आप, पता बेटा इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर होकर आपने किस चीज को प्रमोट किया, इतनी बड़ी आप होके और आप लोगों ने किस बात को प्रमोट किया, आप लोगों का इस बात का फायदा पता कौन लोग उठाएंगे, किस लोगों पे अटैक होगा? ये बिजनेस वाले लोगों पे अटैक होगा जो काम कर रहे, जिनके घर में रोजी रोटी डांस से नहीं आ रही है, उनके घर में रोजी रोटी सामान बेचने से आ रही है। आप लोग जो ये वीडियो बना रहे हैं ना, इस बात का फायदा वो लोग उठाएंगे, प्रोडक्ट लेंगे, नहीं मजा आया वापस हो, वापस पैसे दो, कोई कंपनी फैक्ट्री लैब वो प्रोडक्ट वापस नहीं लेगी। चल मैंने तो ये प्रोडक्ट मान लिया, ठीक है मैंने इस प्रोडक्ट को मान लिया, ये फाइट मेरे लिए नहीं थी, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं जो घर घर जाके काम करते हैं, घर में बैठ के नहीं बैठे, वो घर घर जाके काम करते हैं,
वो काम करके आप कह रहे हो बात चार या पांच, बात नहीं है, बात बात सही और गलत की है। मेरे से ये गलती है, मैंने गुस्से में बात बोली, पर बात तो सही और गलत की है। वो लोग मेहनत करते हैं, गल गल घर घर जा जा के प्रोडक्ट बेचते हैं वो लोग, और उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करके खा के बोलते हैं ले जाओ अपना वापस, हमें नहीं चाहिए। ये कौन सा है? कानून भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता, कानून भी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता। आप दूसरे की आप लोग जो ऐसा कर रहे हैं, आप लोगों के घर में कोई भी बंदा नहीं है जो बाहर जाके काम कर रहा है, और वो बाहर जाके काम करके कुछ चीज बेच रहा है, बिजली का काम कर रहा है, बल्ब का काम कर रहा है, कोई रखता है एक महीने बल्ब को और वापस ला के देता, नहीं भाई हमें मजा नहीं आया, हमें चीज हमारे वापिस दो पैसे। ऐसा अगर आप लोगों के परिवार में होना चाहे, आप लोग उसी चीज को प्रमोट कर रहे हो, आपको पता है आप उस चीज को प्रमोट कर रहे हो। आप मुझे सोच रहे हो कि गालियां दे दोगे और मैं इस चीज से बोलूंगी मेरी से गलती हो गई मुझे माफ कर दो, नहीं भाई मैंने अपनी बात गुस्से में रखी, आज मैं अपनी बात शांति में रखती हूँ, मेरा गुस्सा ही मेरी वो थी। मैं किसी से वॉलपेपर लगवा लेती, मैं आप लोगों के घर के जो लोग मेरे लिए हेट कमेंट कर रहे हैं, हेट वीडियो बना रहे हैं, उन लोगों के घर में जा रही हूँ, बल्लव घर घर कोरियर वाला कोई तो बंदा होगा, वॉलपेपर वाला होगा, पेंट वाला होगा, किसी से पेंट करा लिया, अरे भाई हमें मजा नहीं आया, अपना पेंट निकाल के वापिस लेके चले जाओ। कहाँ से चला जाएगा वो बंदा? सिंपैथी नहीं है, लॉजिकल बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, एक लॉजिक बारे में बात कर रही हूँ। आप लोग ये जो चीज कर रहे हो, मेरी ये बात उन लोगों को समझ में आएगी जो ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं। ये टेडी बियर लेके आ गई मैं दुकान से, ये टेडी बियर मैं दुकान से लेके आ गई, दिख रहा है ये, मैं इसको उठा के लेके आ गई और मैंने मेरी बच्ची को दिया, पैसे दे के लाई भाई मैं, कोई मैंने ये नहीं बोला कि प्रमोशन करूंगी आप मुझे पैसे दो, नहीं बोलती मैं, मेहनत करती हूँ ना, मेहनत से लाई, पैसे दे के लाई, मैंने इसको रखा 15-20 दिन। मेरी बेटियाँ तो अब हॉस्टल में है, मैं तो अकेली हूँ, है ना, हॉस्टल में पढ़ रही हूँ, तो ये टेडी बियर वाला उसको वापस ले लेगा क्या? ले लेगा? स्कूलों में पढ़ रही हैं, स्कूलों में पढ़ाइयाँ हो रही हैं, मैं कह रही हूँ कि सब, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, एक बच्चा थोड़ा वीक है, मैं मान लेती हूँ मेरा बच्चा वीक है, मैं क्यों कहूँ दूसरे का बच्चा वीक है, एक बच्चा बहुत इंटेलिजेंट, एक बच्चा बहुत वीक है, मैं क्या बोलूँगी कि मेरे स्कूल के पैसे मुझे आधे वापस दो, ये बच्चे को होशियार बनाया, मेरे बच्चे को बुद्धू बनाया, ये टैटू करवाया, उस बंदे ने 2.5 घंटे करके मेहनत की। मैं कहा नहीं मज़ा नहीं आया मुझे टैटू में, मैं नहीं दे रही पैसे। अच्छा चल टैटू की वीडियो बनवाने के मुझसे पैसे ले ले, मुझे पैसे दे दे या अपनी इंक वापस ले जा। जैसे मेरा गुस्से का जो कमान का तीर है मैंने मार दिया, वो वापस नहीं आ सकता, ऐसे ही वो प्रोडक्ट जो खुल चुकी हैं और इस्तेमाल हो गए हैं, आप लोग कह रहे हैं ना कहाँ खत्म हो गई वो क्रीम, इस्तेमाल हो गई, जो मेरे साथ ऐसा हो सकता है ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। आपके घर में आपके पति पापा, घर में बच्चे या फिर कोई देवर भाई, कोई कोई ना कोई तो काम कर रहा होगा, आप खुद भी काम कर रहे होंगे। दूध का थैला फटने, दूध खुलने के बाद दूध बॉयल कर दिया, दूध बॉयल हो गया तो आपको अच्छा लगा, क्या वो दूध वापस थैले में डाल के दुकान पे जा सकता है? चलो दूध आपने डाला और दूध फट गया तो आप क्या बोलेंगे दुकान वाले को? या तो दूसरी दुकान से लेंगे या बोलेंगे कि भाई कल दूध फट गया था आज देख लेना, तो दूसरी थैली लेना। यहाँ तक अब समझ में आई बात, प्रोडक्ट की खुलने वाली बात? ऐसा नहीं है, वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा है, 3-3, 5-5 महीने चलता है, वो इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होते। अब तो मुझे वो प्रोडक्ट चाहिए भी नहीं, बात प्रोडक्ट चाहिए ना चाहिए कि नहीं थी,
मैंने उनको बोल दिया था कि ठीक है मेरा प्रोडक्ट मुझे वापस दे दीजिएगा, एड्रेस भी भेज रखा है, स्क्रीनशॉट चढ़ा रखे हैं, वो कहेंगे तो वो भी चढ़ा दूंगा। और भाई यकीन हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, भाई मेरे बच्चे आप लोग नहीं पाल रहे हो, मैं पाल रही हूँ, मेरा बच्चा कोई नहीं पाल रहा, अपने बच्चे खुद पाल रही हूँ, खुद पैदा किए तो खुद पालूंगी ना, बिल्कुल नहीं रो रो रही हूँ। ठीक है, मैंने कहा स्कैनर भेज रही हूँ, आप उसमें पैसे डाल दीजिए, नहीं तो कुरियर कर दीजिए। अगली ने मुझे बड़ा रोडली भी जो डिलीट कर दी, उसमें बोला था बड़ा रोडली, मैं नहीं भेजूंगी, मैं नहीं भेजूंगी, आके यूपी से ले जाइए, मेरे साथ बदतमीजी, मैं इतनी तफीस से हूँ पर मेरे साथ बदतमीजी की गई। मैंने कहा मैं यूपी क्यों आऊँ प्रोडक्ट लेने के लिए, मैं प्रोडक्ट देने के लिए यूपी आई थी क्या? मैंने कहा आप आ जाइए, नहीं तो कोरियर करवा दीजिए, मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल करें तो स्कैनर दे दिया। फिर ये बात का इन्होंने कब मैसेज डिलीट किया, मैंने तो कभी नहीं देखा भाई, मैंने कभी नहीं देखा, मैं नहीं देखती भाई, बहुत सारे मैं नहीं देखती ये सब। इसके मैनेजर का फ़ोन आता है, वो बोलते हैं मैडम वो ये कह रही है उन्होंने आपकी वीडियो चढ़ाई है और नीले शर्ट पे, और आपके 10-15 वीडियो पहले बनाई उसके बदले हैं। भाई जो 5-7 वीडियो बनाई हैं पहले, उनको बाइकर तक पता था और उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया, काम भी करवाया, ठीक है मैं तो कह रही हूँ, उन्होंने काम भी करवाया, 1 रुपया भी नहीं दिया। और उसके बाद जो उन्होंने प्रोडक्ट लिया, अगर ये बात बोल रही है ना नीले साठ वाली मैंने भेजी थी भाई, मेरा सॉन्ग आया था, मैंने आप लोगों के आगे भी हाथ जोड़ा था कि प्लीज़ स्टोरी लगाओ, तो मैंने उनको भी भेजी थी कि नीले साठ के स्टोरी लगा देना, अगर वो मुझे बोलती ना कि मैंने 100 स्टोरी लगाने का 8,000 लेती हूँ तो मैं नहीं लगाती भाई, मैं पैसे नहीं लेती स्टोरी लगाने के, मैं फ्री में लगा देती हूँ, ठीक है। जो मेरे पास पार्लर में मेरे क्लाइंट आते हैं, काम करवाने आते हैं, कितनी अपनी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं, मैं 2-4 चीज़ों के बारे में बोल देती हूँ भाई, ना मैं सट्टेबाज या ना मैं बुकीज ना मैं कोई बुक वगैरह का प्रमोट करूँगी। बहुत फ़ोन्स आते हैं मेरे पास कि हम आपको एक वीडियो बनाने के 40 देंगे, 20 देंगे, 50 देंगे, हम आप ये बुक ही बुक है। मैं कहती हूँ भाई आपके पैसे ना चाहिए, मेरी ज़िंदगी तो सट्टेबाजी की वजह से ख़राब हो गई, सट्टेबाज या फिर बुकीज की वजह से मेरी खुद की पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो गई थी। तो मैंने कहा कि मुझे मैं नहीं कर रही भाई ऐसे बंदों का, मुझे ऐसा पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी जगह पे काम करके खुश हूं, मैं ऐसे लोगों का पैसे में भी मैं नहीं भाई नहीं करती। अगर आप मुझे बोलते ना मैं 8,000 रुपये की स्टोरी लगाती नीले सांठ की निशा, तो मैं बोलती कि ठीक है आप मुझे बोलते और फिर आप लगाते तो बात अलग है, मेरे पास नहीं है भाई पैसा, पैसा पैसा नहीं है, ठीक है आपने ठीक है ऐसे तो यारी प्यारी मोहब्बत में, वैसे ये बहुत ओछी बात है मैं बोलती नहीं हूँ, पर आप 4-5 लोग आए थे, मैंने भी आप लोगों को बहुत सम्मान किया था, सर्व किया था, हॉस्पिटलिटी की थी, है ना, बट ये ओछी बात है नहीं बोल रही मैं, सामने वाला कर सकता है आप, मैं नहीं कर रही। अगर आप मुझे ये बोलते कि ये प्रोडक्ट निशा मैं उस स्टोरी लगाने के लिए मंगवा रही हूँ तब भी मैं आपको ये प्रोडक्ट दे देती, आपने तो ये प्रोडक्ट मुझे ये बोल के मंगवाया था कि मैं इनको यूज़ करूँगी इस्तेमाल करूँगी, मैं धूप में टैन हो जाती हूँ, आप मुझे दे दीजिए मैं इसके बदले वीडियो बना दूँगी, तो आप मुझ पर कहाँ का ब्लेम लगा रही है, कहाँ का ब्लेम लगा रही है, कहाँ का, कहाँ आपको गवार बोला, आपने तो एक पढ़ी लिखी इंसान को पागल बना दिया, आप कहाँ मैंने आपको गवार बोला, कहाँ मैंने किसी सोशलिटी और कहाँ मैंने किसी उसको बोला। मैंने ये बात बोली ऐसा जरूरी नहीं है हर अमीर आदमी अच्छा हो वीडियो में, ये बात ऐसे बोली गई और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर किसी पे वो आए सिंपैथी आए, ये वर्ड था, ये तो सच है दुनिया का, इसको तो मैं कभी भी नहीं ठुकराऊंगी,
मैं अकेली खड़ी हूँ, अकेली खड़ी थी, अकेली ही खड़ी रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट ये जो आप बोल रहे हैं ना, आपके जो मैनेजर ने मुझे ये बात बोली, आपके मैनेजर ने बात बोली है, आपके मैनेजर ने, उन्होंने ये वर्ड बोला था कि वो कह रही हैं वो नहीं करेंगी, आपको जो करना कर लीजिए। मैंने कितनी बार आपका मैनेजर भी ये बात जानता, और आपके मैनेजर से जब मेरी पहली कन्वर्सेशन भी हुई थी ना, उन्होंने ये बात बोली थी, हाँ अंजलि जी गलत कर रही हैं, आपके मैनेजर के शब्द हैं, पर मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था। आपके मैनेजर ने ये बात बोली थी, वो गलत कर रही है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो गलत कर रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मेरी सच्चाई का मेरी माता रानी वो है, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था जब मैं अकेली पड़ी थी। मुझे अकेले रहने की आदत है, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था, ठीक है अब तो लोग मेरे को थोड़ा सा साथ देते हैं, मेरा साथ किसी ने नहीं दिया था। जब सब कुछ खत्म हो गया था मैं रोड पे आ गई थी, सब कुछ खत्म हो गया था मैं रोड पे आ गई थी, किसी ने नहीं दिया था। वो खड़ी थी, कोई साथ नहीं था, वो रही थी मेरे बगल में। आपके पास आपकी माँ है ना, मेरे पास मेरी माता रानी है, उसके सामने बैठ के बात कर रही हूँ, झूठी तो नहीं हूं मैं, ऐसे खड़ी रहूंगी। हाँ तरीका गलत हो गया माँ मेरा, मुझे लगता था सच्चाई को बनावट की जरूरत नहीं है, पर सच्चाई को भी जैसे मैं सोचती थी ना इंसान को सुंदर रह के बन ठन के रहने की जरूरत है, ऐसे सच्चाई को भी बनावट बना ठना के अच्छे से पैक करके देने की जरूरत है। तो प्लीज मैं अपने वर्ड पे रहती हूँ, अपने हर एक वर्ड पे, आज की बस सच्चाई भी बना ठना के बोलूंगी मैं। बट आपकी इस हरकत, इस चीज को प्रमोट करने से मेरे पे इतना असर नहीं पड़ेगा जितना असर वो जो काम कर रहे लोग हैं ना, जिनका काम से उनके घर की रोजी रोटी चल रही है, और आपने ऐसी चीज को प्रमोट किया कि मैं इस्तेमाल करके वापस दे दूंगी, उन लोगों को पड़ेगा बहुत पड़ेगा। और ऐसे जो जो लोग होंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप भी मेहनत कर रहे हो, मैं भी मेहनत कर रही हूँ, कई लोग मेहनत कर रहे हैं, कोई बैठे नहीं है, ठीक है। सच्चाई और मेहनत एक दिन ना एक दिन आती है और बोलती है, ठीक है। सच्चाई को प्रूफ के साथ प्यार से दिखा सकती थी मैं, ये मैं बात मान लेती हूँ, पर सच्चाई तो थी ना। ये हो सकता है कि वो लड़की शहर में नहीं रहती है, वो गांव में रहती है, उसका एक्सपोजर कम है, उसका मैनेजर जो वो बोलती है उसकी बात को उसका मैनेजर सही तरीके से नहीं बोलता है, तो ये हो सकता है। पर जो हुआ है, जो भी बात हुई है, जो भी चीज़ हुई है, वो चीज़ आपके सामने है। मेरी को जैसे मेरे को बोला जाएगा, जैसे मेरे साथ बिहेव किया, मैं आगे वही तो डिस्पैच करूँगी। मैं 99.9% उसी बंदे से बात करती जो सामने वाला, बिचौले से कभी नहीं करती, कभी सामने नहीं आया तो बीच वाले ने मेरे साथ जैसा बिहेव किया तो मैं तो यही मानूंगी ना सामने वाला भी वैसा है। तो यही वाली बात हुई है और कोई बात नहीं। तो मैं पब्लिक से ही कहूँगी, आप भी काम करो, मस्त रहो, आप ये जो चीज़ प्रमोट कर रहे हो, आप वो चीज़ प्रमोट करो जिससे कई लोगों की रोजी रोटी मर जाएगी। सोचो, समझो, दिमाग पे जोर लगाओ। अब कई लोग कहेंगे कि ये नई चालाक ही करे, ट्रिक करिए, ऐसा कोई भी नहीं भाई, हम भी जा रहे हैं काम पे, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम है हमारी भी ज़िंदगी में, हम बोलते नहीं तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मैं अकेली हूँ, दो बच्चे हैं मेरे, सामने वाली पार्टी पे तो कोई ड्यूटी भी नहीं है,
मेरे ऊपर तो ड्यूटी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और बहुत प्राउडली फील करती हूँ कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है इतनी दो प्यारे बच्चों की। ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, पर जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, उस पर प्रेशर भी होता है। समझ में आई? जब कल को किसी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, उस पर प्रेशर आएगा, तब समझेगा बंदा। जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मैच्योर हूँ बट झूठी नहीं हूँ। झूठ से तो मुझे कलपपी चढ़ती है मेरी बॉडी में। मैंने बहुत बार बताया लोगों को, मैं सामने झूठ आता है या कोई भी फरेब आता है, मैं कब कब आ जाती हूँ, मैं नहीं रहती हूँ ऐसे लोगों के साथ, मैं चिढ़ जाती हूँ। वो चिढ़ निकल गई। मैं तो बहुत बार बोलती हूँ कि मेरा नेचर नहीं गुस्सा है, पर झूठ और फरेब का है और किसी चीज़ का नहीं। तो आई एम वेरी सॉरी, फिर से इस वीडियो में 50 बार सॉरी मैं मांग रही हूँ कि मैंने आपका दिल दुखाया। मैम सॉरी, इधर भी दुखा। एक और बात याद आई थी, कई लोग कहेंगे औरत की इज्जत औरत की इज्जत। बहुत गुस्से में मेरे से एक औरत ने एक औरत के बीच में बात हुई, चलो इस औरत ने उस औरत को सॉरी बोल दिया। अब ये मैं देखना चाहूँगी बाकी औरतें क्या फील करें। मैं ये देखना चाहूँगी बाकी औरतें अब इस औरत की कितनी इज्जत रखती हैं। जो औरत मतलब मैं उतना ही बोलती हूँ, मैं केवल उतना बोलती हूँ जितना कि मैं कर सकती हूँ, ये सच है। अब जो मैं ये देखना चाहूँगी इस अपोलॉजी के बाद भी, देखो मैंने बात पूरी बताई, इस अपोलॉजी के बाद भी मैं देखना चाहूँगी बाकी औरतों ने अब मेरी कितनी इज्जत रखी। अगर वो अब इज्जत नहीं रखेंगी तो इसका मतलब है वो सब झूठी हैं जो ये कह रही हैं औरत की इज्जत के लिए वो झंडे उठा रहे हैं। इस औरत की इज्जत तो उसने नहीं रखी, मैंने की, बदतमीजी की, ये अपोलॉजी बन गई। ठीक है, ये अपोलॉजी बन गई, मेरे अंदर इतना अकड़ और एटीट्यूड नहीं है, सामने से अपोलॉजी नहीं चाहिए। अपोलॉजी मान ली, उसके आंसू ने अपोलॉजी दे दी, मैंने बदतमीजी की, उसकी अपोलॉजी बन गई। अब मैं उन बाकी औरतों से जानना चाहूँगी वो इस औरत की कितनी इज्जत करते। औरतों का नाम लिया ना तो औरतों की इज्जत करते हो ना, तो मैं भी तो औरत हूँ, कोई टेस्ट दूँ क्या? मैं औरतों की इज्जत के लिए खड़ी रहती हूँ, मैं किसी और औरत के लिए दूसरी औरत को नहीं गिराती। चलो ठीक है, मेरी से गलती, मैंने सॉरी बोल दिया, अब इसके ऊपर क्या मुझे मारना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? मैं तो नहीं मरूंगी, मैं क्यों मरूंगी, मैं किस लिए मरूंगी? मेरे पीछे तो दो हैं, उनको कौन पालेगा उनको? मैं तो नहीं मरूंगी। तो मारने भी आओगे तो मैं बचने की कोशिश करूंगी। मारने आना मुझे, आओ, मैं तो फिर भी बचने की कोशिश करूंगी। मेरे पीछे तो दो बच्ची है, तुम पालोगे उनको? कोई नहीं पालेगा। तो मरने वरने की तो धमकी निशाला मैं देने वाली नहीं है, पर मैं ये जानना चाहती हूँ औरत होने के नाते इस औरत की तुम लोग कितनी इज्जत करते हो। औरत औरत का वो लगा रखा था क्योंकि शायद मेरे से एक औरत के लिए ही बोला गया। मैंने सॉरी बोला, अपोलॉजी की, बहुत अच्छे से अपोलॉजी की, एक बानी, दो बानी, तीन जगह की है, इंस्टाग्राम पे भी बनाई है, यहाँ पे भी बनाई है, रात में भी बनाई है, अभी भी बनाई है, केवल मैंने उसको हॉट किया इस वजह से। अब तुम औरतों की कितनी इज्जत करते हो? मैं औरत ही हूँ, अकेले ही हूँ, बच्चों की माँ ही हूँ, दिखा दो कितनी इज्जत करते हो। ठीक है, और नहीं दिखाना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जो ये जो लोग नहीं दिखाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। ये पर ये जो औरत के डंडे 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 डाल के औरतों का वो कर रहे हैं ना अभियान, तो बेटा रूल एक के लिए नहीं, सबके लिए लगता। आप ये बोलो कि हम इनके ही लेकर थे, हम इनके लिए, औरतों का नाम ना, औरत मैं भी हूँ।